सब्सक्राइब करें हमारे जीके इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप साइड में फोटो देखते हैं, ये एक मल्टी रेगुलेटर सर्किट है जो कि आज की तारीख में LED, LCD, स्मार्ट TV साथ ही लैपटॉप के अंदर काफ़ी यूज होता है। तो इसके अंदर हम सिंगल इनपुट देकर मल्टीपल आउटपुट हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो किस तरह इस सर्किट को यूज़ करना है, काफ़ी लोग जो टेक्नीशियन है ऑलरेडी काम कर रहे हैं इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये वीडियो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिगनर के लिए बना रहे हैं जो अभी नया नया LED, LCD का काम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए इसका लाइव प्रैक्टिकल हम आपको बताते हैं किस तरह ये वर्क करता है। जैसा कि आप साइड में फोटो देख सकते हैं कि इसमें इनपुट वोल्टेज जो है 5 से लेकर 15 तक कुछ भी वोल्टेज आप इन कर सकते हैं, और इसके अंदर डिफॉल्ट वोल्टेज 1.2 रहता है। इसके अलावा इसमें और भी जो वोल्टेज है इसमें रिटर्न में लिखे हुए होते हैं, वो सारे वोल्टेज आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम आपको लाइव टेस्ट करके बताते हैं किस तरह इसमें मल्टीपल वोल्टेज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक DC सप्लाई मशीन की आवश्यकता होगी, तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ सेट की हुई है। तो इसमें आप सर्किट में जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 5 से 15 वोल्ट तक कुछ भी आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम जो है 15 वोल्ट इन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें मल्टीपल वोल्टेज किस तरह लिए जाते हैं। चलिए तो एक बार हम आपको इसका लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ये मल्टी रेगुलेटर सर्किट किस तरह वर्क करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये DC पावर सप्लाई मशीन है, इसको हमने 15 वोल्ट DC पे सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि इसका जो डिफ़ॉल्ट वोल्टेज इनपुट है वो 5 से 15 आप कुछ भी इसके अंदर इन कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर हम वोल्टेज इन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वोल्टेज हमने इन कर दिया है, और अब इसकी आउटपुट चेक करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर को भी इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब आपको हम बताएंगे लाइव इसके वोल्टेज किस तरह मूव करते हैं और किस तरह से हम लोग सभी वोल्टेज ले सकते हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे सेट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त 1.2 जो कि इसका डिफ़ॉल्ट वोल्टेज है, विदाउट एनी सेटिंग आपको ये डिफ़ॉल्ट 1.2 वोल्टेज देगा जो कि वोल्टेज ये दे रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जंपर सेटिंग दी हुई है और उन पर उसके वोल्टेज भी लिखे हुए हैं। तो चलिए पहला जंपर हम लोग शॉर्ट करते हैं। तो ये पहला जंपर शॉर्ट करने पर हमें 1.5 वोल्टेज जो है आउटपुट मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं मल्टीमीटर 1.5 वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है। यदि आपको 1.5 वोल्ट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो आप यही पहला जंपर शॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप दूसरा जंपर देखिए, तो इसको शॉर्ट करने पर आपको 1.8 वोल्टेज आउटपुट मिलेगा जो कि आपको मल्टीमीटर पर दिखाई दे रहा है। अगर आपको 1.8 की आवश्यकता है तो आप इस जंपर को शॉर्ट कर सकते हैं। तीसरा जंपर पॉइंट देखते हैं हम लोग 2.5 के लिए, तो देख सकते हैं आप तीसरे पॉइंट को शॉर्ट करने पे हमें 2.5 वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है। यदि आपको 2.5 की आवश्यकता है तो आप ये वाला जंपर शॉर्ट कर सकते हैं। और चौथे नंबर का पॉइंट हम शॉर्ट करते हैं तो हमें 3.3 वोल्टेज आउटपुट मिलेगा जो कि मिल रहा है। यदि आपको 3.3 की आवश्यकता है तो आप ये चौथा पॉइंट शॉर्ट कर सकते हैं, और यदि आपको 5 वोल्ट की आवश्यकता है तो ये जो पाँचवा पॉइंट है इसे आप शॉर्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर परफेक्टली 5 वोल्टेज मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये मल्टी रेगुलेटर सर्किट है, इससे आप डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज ले सकते हैं। इसके अलावा भी इससे हम लोग डिफरेंट वोल्टेज ले सकते हैं, इस पे जो लिखा हुआ है उसके अलावा भी बहुत सारी वोल्टेज से आउटपुट हम ले सकते हैं क्योंकि एक मल्टी रेगुलेटर सर्किट है, उसका एक विशेष तरीका होता है जो कि अपने ट्रेनिंग में अपने स्टूडेंट को बताते हैं हम लोग। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपके लिए काम आएगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। यदि आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ट्रेनिंग की जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।